नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनकी समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बाबा नीम करौली का मोमेंटो और उत्तराखंड का चावल भी भेंट किया। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर जहां एक ओर बीजेपी इसे सकारात्मक पहल बता रही है, वहीं कांग्रेस ने सीएम पर कटाक्ष किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिश्ट ने कहा कि सीएम केंद्र को यूसीसी लागू करने का डायरेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जैसे यूसीसी लागू हो जाने के बाद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता की तमाम समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। वही बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली प्रवास पर जाते हैं तो वहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड यूसीसी में लीड ले रहा है और हमारे जो सुयोग्य नौजवान मुख्यमंत्री जी केंद्र को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि हमने यूसीसी बना रहे हैं, हम ये करो और ऐसा करो, तो ये अपने आप में महान उपलब्धि है। और समस्या हो ना, यूसीसी की बात करके लोगों का ध्यान जरूर बढ़ रहा है, जैसे उससे रोजगार मिल जाएंगे, किसान खेतों को पानी मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, ये जितने भ्रष्टाचार के भर्ती प्रकरण ये सब पे कोई कार्रवाई हो जाएगी। ये तो सब बहलाने का काम है, ठगने का काम है। लोगों को पता ही नहीं क्या है यूसीसी, नेताओं को पता नहीं, सारे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स को पूरी चीज़ें पता नहीं है। तो यूसीसी का क्या जादुई पुड़िया है क्या? इससे क्या लोग मुझे जो काम तुम्हारे करने का वो तो हम रहे। वहाँ तुमने केदारनाथ मंदिर में तो सोने को पित्तल बदल दिया 4 दिन में, क्या जवाब है इस पर? 60 लाख भर्ती प्रकरण है, बाहरी कंपनी अभी आरटीए में खुलासा हुआ, 60 लाख 600 करोड़ का घपला है, 5500 लोगों को भर्ती दिखा दिया फर्जी कंपनी कोई आई वो बन रही, इसका क्या करेगा? अंकिता भंडारी के माँ बाप परेशान हो रहे, सरकारी वकील ने तुम बदल पा रहे हो, यहाँ तुम्हारे यहाँ आत्महत्याएं कर दी, एक लड़की ने कर दी सुसाइड मुख्यमंत्री आवास पर, एक सिपाही ने गनर ने कर दी, उसके बारे में 2 शब्द मुख्यमंत्री निकल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल्ली जाना, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिलना, राज्य के विकास के लिए उनका संज्ञान लेना और राज्य में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, परियोजना चल रही है, उसके यथास्थिति के बारे में जानकारी देना। कल भी वो केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, आज भी हो रही है, तो ये निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हमेशा जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य की चिंता, राज्य के विषयों को लेकर देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से उनका मिलना रहता है। जहाँ तक प्रश्न है कि प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार का, ये निश्चित रूप से सही बात है कि हमारे जो मंत्री रहे चनर रामदास जी, उनके अकस्मात मृत्यु के कारण उनकी एक सीट भी रिक्त है और कुल मिला के 4 मंत्री पद अभी खाली हैं। उनका विस्तार होना है, भविष्य में कभी भी हो सकता है। इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, केंद्र नेतृत्व को मिलकर निर्णय लेना है। जब कभी भी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रियों मिलकर निर्णय लेगा तो उसकी जानकारी सभी को प्राप्त। वही उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की अगली तारीख तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग करने वाले खानपुर विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। देखिए, माननीय सीबीआई न्यायालय द्वारा आज के लिए सम्मन दिया गया था, जो इस स्टिंग प्रकरण में जो सीबीआई जांच चल रही है उसके लिए सम्मन भेजे गए थे।
तो आज की तारीख नियत की गई थी, तो 11 बजे प्रार्थना पत्र को सुनवाई है। हमने स्थगन करने के लिए केस की अन्य तिथि दी है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था अन्य हरीश रावत जी की तरफ से, बीज जी की तरफ से। तो उसमें हमारे द्वारा कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। तो जिसका कि सीबीआई ने काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा कि ये समय की कोई वो नहीं है, तो लेकिन हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 15 तारीख इसमें नियत की है कि 15 तारीख को जो है इस पर सुनवाई होगी। तो 15 तारीख को इस पर सुनवाई होगी कि अब आगे के उसी दिन पता चल पाएगा कि 15 तारीख को क्या आदेश होते हैं, उस पर बहस होनी है इसी बात पे। और ये भी कहा गया कि जी सीबीआई द्वारा कि जी हरीश रावत जी को सम्मान, तो हमने कहा भाई हमने तो खुद फोन करके सीबीआई को बुलाया कि हम आ गए हैं, अब पहले बाहर थे और आप आओ और हमें सम्मान दे जाओ। तो और इन चीज़ों को इनके पास तो रिकॉर्ड भी होंगे, जो हमने फ़ोन करा सीबीआई को कि हमें सम्मान काबिल करा, तो हम तो सीबीआई का भी सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं और पूरे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब बात इस बात के 15 तारीख को होगा कि उस दिन बहस भी होनी है प्रार्थना पत्र पे कि सीबीआई क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, इस बात पे जो है तर्क वितर्क होंगे और उसी दिन कोई ना कोई आदेश होगा, जो भी आदेश होगा। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आम जनता मानसून के साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी परेशान दिख रही है। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से टमाटर सब्जियां गायब हो रही हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में बीजेपी की सरकार है लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। वही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फुटकर और एयरटेल के दाम एक हो सके उसमें ज्यादा अंतर ना हो, इसके लिए विभाग प्रयासरत है जिसमें जल्द ही मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़ सके और आम जनता को परेशानी कम हो सके। देखिए इन्होंने तो नारा ही दिया था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी, 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां, लोगों को आम जरूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएँ भड़का कर और कैसे भी कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। देखिए अभी मैं कल समाचार पत्रों में देखा था और अभी हम अपने MD मंडी से हम बात करेंगे और अभी स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में इतने एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपए टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपये बिकता है, तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और इस दिशा में मैं अभी अपने MD से बात करने वाला हूँ कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को निश्चित करें कि वो इस पर जो है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कवायद पर बीजेपी ने अपनी सफाई दी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को केवल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के साथ न जोड़ा जाए बल्कि मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को इस पर फैसला लेना है।
देखिए ऐसा है मुख्यमंत्री जी, अगर दिल्ली में मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसी विस्तार को लेकर चर्चा करी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ये निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी से जो मुलाकात करी है वो भी एक योजना के तहत उन्होंने मुलाकात करी है, और दुग्ध मंत्री डेयरी उत्पादन मंत्री से जो मुलाकात करी है वो भी एक योजना के तहत उन्होंने मुलाकात करी है। तो हर चीज़ का मायना यही नहीं निकाला जा सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ही मुलाकात करी है, और जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात है तो वो जल्दी पूरा किया जाएगा, और ये केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के फैसले के बाद ही निश्चित होगा कि कब ये मंत्रिमंडल। पौड़ी जिले के अंकिता केस के कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई से पहले। अंकिता के मां बाप के केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को नहीं हटाए जाने पर धरने का बिगुल फूंक दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता के गाँव डोब सिरीकोट पहुंचे और उन्होंने अंकिता के मां बाप को आश्वासन और न्याय का भरोसा दिलाया। देखो शुरू से जो गोदियाल जी वो हमारे साथ हैं और इस बार तीसरी बार हमारे यहाँ आए हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने भी उनसे भी कहा था कि गोदियाल जी जब जब मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप कभी भी कह सकते हैं, अगर मुझे कभी मेरी जरूरत पड़ेगी आप कह सकते हैं, बेझिझक से कह सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो कोटद्वार में हियरिंग चल रही है, तो सरकार ने जो जितने रावत जी नियुक्त किए हैं वो बार बार गांवों के बयान इधर से उधर घुमा रहे हैं, और हमने उसमें एक आपत्ति लगाई थी। 1 जून को मैंने डीएम कार्यालय पौड़ी में वो ज्ञापन सौंपा था, और डीएम साहब ने वो फॉरवर्ड कोटद्वार एसडीएम के लिए कर दिया था, और एसडीएम ने फिर डीएम साहब को, डीएम साहब ने सीएम कार्यालय देहरादून के लिए। तो जब मैंने कहा था कि 6 तारीख तक अगस्त में निर्णय नहीं होगा तो हम 7 तारीख धरने पे पौड़ी डीएम साहब के कार्यालय में बैठ जाएंगे, तो 6 जून तक हमें कोई आदेश नहीं मिला, उसके बाद हम 7 जून को। मैं दूसरी बार नहीं, आज मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले 2 बार मैं उस घटना के बाद यहाँ पर आया था। उस घटना के दौरान जब ऋषिकेश में उस बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं वहाँ भी गया, घटनास्थल पर गया, तमाम जगह हम लोग गए। देखिए आज बड़े दुख की बात है कि ये दोनों हमारे ये भाई और ये बहन बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, और जो न्याय की इनको उम्मीद थी वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। मैंने परसों जब इनका ये वीडियो देखा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और मन करता है खास करके इस बहन का, मैंने जब वो क्रंदन सुना, वो रुदन सुना, और इन्होंने कहा कि मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें, तो हमें स्वयं में ये महसूस होता है कि हम जीते जागते इंसान हैं, और अगर हम ऐसे मौके पर इनकी मदद के लिए खड़े नहीं हो पाए तो हमारा जीवन भी धिक्कार है। इसलिए आज पूरे उत्तराखंड का जनमानस इन लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। आज करीब करीब 10 महीने हो गए हैं और 1 साल बीतने में 2 महीने का समय शेष है। अब तक प्राथमिक तौर पर सभी जो गवाह हैं उनका बयान। अब खबर देहरादून से है जहां जिलाधिकारी सोनिका द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जनता की समस्याओं को जिलाधिकारी ने सुना। वही ज्यादा जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार के दौरान कुल 107 शिकायत प्राप्त हुई है। वही जनता दरबार के दौरान हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा शिकायतें जमीनों को लेकर हुए आपसी विवाद को लेकर सामने आई है। साथ ही अन्य शिकायत बिजली पानी से संबंधित रही और 2 शिकायत समाज कल्याण विभाग की थी, जिसकी तत्काल कार्रवाई करते ही समाधान कर दिया गया। से शिकायतें हमारे पास आई हुई हैं, और इसमें मेजरली जैसे होता ही है कि आपसी विवाद में लैंड डिस्प्यूट के जो होते हैं मोर और लेस वही शिकायतें मेजॉरिटी में होती हैं। उसके अलावा बिजली पानी और कहीं अगर कोई नाली में चोक है या कुछ है, उस तरह के इश्यूज भी हैं। जो लैंड से रिलेटेड नहीं है डिस्प्यूट्स ना, वो मोर और लेस हम कोशिश करते हैं कि वहीं पर रिजॉल्व हो जाए, कंसर्न को हम बता देते हैं। जैसे अभी 2 समाज कल्याण की 2 शिकायतें आई थी, मोर और लेस उसमें जो भी सर्टिफिकेट बनने होंगे वो बन जाएंगे, फॉर्म्स मेरे यहीं जमा करा के चले गए। तो ऐसी जो शिकायतें होती हैं वो बहुत रिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं जिसमें अड़ोसी पड़ोसी का कोई विवाद है, उसमें मौके पर जाना पड़ता है टीम को और रिजॉल्व करना।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित वन विभाग के मंथन सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक की। इस बैठक में इस साल प्रदेश में किस तरह से ज्यादा पौधों को लगाया जाए, इसको लेकर रणनीति तय की गई। साथ ही इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि इस बार वन विभाग जो भी पौधे लगाएगा वे किसी भी प्राइवेट नर्सरी से पौधे नहीं लेगा। साथ ही इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार सरकार 15,000 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्लांटेशन वन विभाग की एक किस्म से स्पाइन है। आप जो प्लांटेशन करेंगे और उस पर सर्वाइवल रेट जितको भी आज की तारीख में सुधार हुआ है, जो विगत 2 वर्षों में 44% का सर्वाइवल रेट था वो 54% हुआ है, और इसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसको एक इंसेंटिव से जोड़ा है कि जो भी डिवीज़न जितना ज़्यादा सक्सेस रेट देगी उस हिसाब से प्रदेश में हम उस डिवीज़न को अवार्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन 15,000 हेक्टेयर जमीन पे हम करीबन 1,24,00,000 के आसपास प्लांटेशन करने का इस बार का हमारा लक्ष्य है। जिस और कुल मिलाकर के प्लांटेशन पॉलिसी को किस तरह से एक पारदर्शिता के साथ और एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो, और जो जहाँ पर जिस जगह की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उसके हिसाब से प्लांट्स उपलब्ध हों, इसको लेकर के मंथन हुआ। और साथ ही साथ ये इस बात पे फोकस किया गया कि महिलाओं को और वन पंचायतों के लाइवलीहुड से जोड़ने के लिए इनकी नर्सरी से प्लांट्स खरीदने का काम किया जाए, और जिस तरह बहुत स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट नर्सरी से बिल्कुल भी कोई प्लांट्स न खरीदे जाए, अपने स्वयं के स्तर पर तैयार करें और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वन पंचायतों के माध्यम से ये प्लांट्स लेने का काम करें। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिले, तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये तय हुआ कि ये जूनियर रिसर्च फेलोज लगाए जाएंगे हर डिवीजन लेवल स्तर पर, ताकि उनके माध्यम से जो किस तरह ट्रेन करने का साइट स्पेसिफिक प्लांट बने हमारे, क्योंकि साइट स्पेसिफिक प्लांट बनना बहुत बड़ी आवश्यकता है जिस पर हम लोगों ने फोकस किया। वर्ष 2019 में जो स्मार्ट सिटी के सपने देहरादून की जनता को दिखाए गए थे वे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। हालांकि शासन प्रशासन का ये दावा था कि 2022 तक स्मार्ट सिटी के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि 2023 का जुलाई का वक्त चल रहा है और प्रशासन के किए गए सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसी बीच प्री मानसून भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है और मानसून आने में ज्यादा दिन का वक्त भी नहीं बचा है। मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई से प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है। हाल फिलहाल में बारिश होने से जो स्मार्ट सिटी का काम अधूरा छूटा है उसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर प्रशासन का कहना है कि स्मार्ट सिटी का पूरा कार्य एक ही विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि अलग अलग विभागों को इस काम को पूरा करने का जिम्मा दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी देखने को मिल रही है। मैडम, स्मार्ट सिटी के काम को लेकर लगातार हर कोई सवाल उठा रहा है, अब कब तक का टाइम है आपका डेडलाइन? स्मार्ट सिटी तो जून 2000 आगे तक के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो गया है स्मार्ट सिटी का, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन है वो बिल्कुल क्लियर टाइमलाइन है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें जून जुलाई तक हमारा ड्रेन का था और उसके बाद बरसात के बाद हमारा जो ब्लैकटॉप का काम था वो होना था। मेन एक ही प्रोजेक्ट है हमारा स्मार्ट रोड का, जो कि हमारा डिलेड भी नहीं है, क्योंकि उसमें बीच में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ और बाकी चीजें हुई उसकी वजह से उसमें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट टेंडर करना पड़ गया और अब जो नई कंपनी आई है वो काम कर रही है। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे मोर और लेस प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीशन स्टेज पे हैं या कंप्लीट हो। देखिए, धरने की बैठने की बात जहां तक आई है, तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की, और इस बैठक के तहत
जो कार्यदायी संस्थाएं थी जिनको कार्य आवंटित किए गए थे उनसे कार्य छीना गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, और फिर जो उत्तराखंड की निर्माण एजेंसियां, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो और विद्युत विभाग हो, इनको काम दिया गया है। मुझे लगता है कि इनको समय दिया गया है, अभी 3 महीना हुआ है और हम दिसंबर तक कंप्लीट स्मार्ट सिटी का काम। और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वही डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। डीजीपी का कहना था कि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो और पुलिस के अधिकारी और जवान संयम के साथ अपनी ड्यूटी करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही होगी। डीजे को इस बार प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि डीजे की वॉल्यूम को लिमिट निर्धारित होगी और नियम तोड़ने वालों और दुपहिया वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।